हेलो एवरीवन। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये आपका असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का पेपर है और काफ़ी बच्चों की मांग थी कि असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का पेपर मैं उनको दिखाऊं। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों को दिखाऊंगा और उसके बाद जो हिंदी मीडियम के लिए होगा वो मैं दोबारा से इस पेपर को अपलोड करूँगा, क्योंकि तो एक साथ अपलोड करने में काफ़ी समस्या हो जाती है। फॉन्ट काफ़ी छोटे हो जाते हैं जिससे आप पेपर नहीं देख पाते हैं और काफ़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। इसीलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में पेपर मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, और हिंदी वालों के लिए मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। ओके, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है इसीलिए हिंदी इंग्लिश एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं और मैं स्क्रॉल करता हूँ और आप इसको पेपर को देख सकते हैं। तो ये असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का पेपर है, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आए थे, 200 क्वेश्चन आए थे, तो हम देख सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। किस तरीके से आपको क्वेश्चंस, तो पेपर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से अपनी एक स्टडी को आपको क्या करना है, एक दिशा देनी है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी बेनिफिट हो जाता है अगर तैयारी करने पर अगर मिल जाए।
तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 200 क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो ये पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए आपका समाप्त हो चुका है। तो अगर आप असिस्टेंट जियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, जियोलॉजिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और जो भी आपको कोई पेपर, अगर आपको लगता है कि आपने एग्ज़ाम भरा है, वो पेपर आपको चाहिए, तो आप कमेंट के द्वारा ये मुझे बता सकते हैं कि अब आपको कौन सा पेपर मैं अपलोड करूं, जिससे आपकी आने वाली तैयारी आपका बहुत अच्छे से हो। और इसी तरीके से हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, और जैसा कि आप सभी ने कहा, तो उस हिसाब से मैंने आपको पेपर प्रोवाइड करवा दिया है असिस्टेंट ज्योलॉजिस्ट का। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ।